गाइस, मैं ना अभी आगरा आई हुई हूँ अपने एमएससी के एग्जाम्स देने के लिए। मैं अपने मामा जी के घर में रुकी हूँ, तो दीदी ने बोला यार एग्जाम्स के बीच में गैप है तो कहीं चलो घूम कर आते हैं। तो जब भी सब लोग आगरा आते हैं यार, ताजमहल तो जाते ही हैं, आगरा फोर्ट भी जाते हैं, जहाँ पर आज दीदी मुझे लेकर आई है ना, सच में बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये। फोटो शूट्स अगर आपको कराने हैं ना, तो ये लोकेशन एकदम बेस्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कम भीड़ होती है और सच में बहुत ही सुंदर जगह है यार। इस लोकेशन का नाम यार मैं मतलब आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं इसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं स्क्रीन पर आपको इस लोकेशन का नाम बता दूंगी। हम लोग ना नॉर्मल कपड़े पहन कर आए थे यार घर से, यहाँ आकर हमने चेंज किया है। पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर ना वॉशरूम दिया हुआ है काफ़ी अच्छा, यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, बट इन लोगों ने ना हमें अलाउड ही नहीं किया। तो फिर दीदी ने ना बाहर जाकर जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, उन लोगों से बात की, और हमने वहाँ उनके घर में ही यार, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके घर में ही जाकर, सच में वो लोग बहुत अच्छे हैं यार, उन्होंने हमें चेंज वेंज करने दिया अपने घर में, और हम फाइनली अब अंदर जा रहे हैं। हमने टिकट्स भी ले लिए हैं। हम बाहर पहन के आ जाओ, जाओ जाओ। हाँ पहन के आ जाओ, पहले जाओ। जो भी हमको बाहर लेके गई थी पता नहीं किस दीदी के घर में कपड़े चेंज कराने के लिए, पर सही है, काम हो गया। अच्छा आप ही के घर था वो मंदिर है जहाँ पे? हाँ वहीं पे दीदी बात करके आई थी, वो दीदी थी ना। दीदी को बोला था बोले बदल लो। हाँ तो ये रही दीदी, रेडी हो गई है अपना पूरा अच्छे से। तो गाइज ये है एंट्रेंस, यहाँ से हम लोगों को अंदर एंट्री करनी है। टूम्ब ऑफ इतमादुद्दौला, ऑल्सो रेफर्ड एज द बेबी ताजमहल, एंड इट इज ऑफन रिगार्डेड एज द कॉपी ऑफ द ताजमहल, जो कम्प्लीटली एंटायरली मार्बल से बना है। ये जो मकबरा है, टूम्ब है, इसको जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग के लिए बनवाया था। नूरजहां के पिता ना शाहजहां के दरबार में एक मंत्री थे। अगर आप इत्मादुद्दौला के मकबरे को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बगीचे में जड़े रत्नों के डिब्बे जैसा दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक अ ज्वेलरी बॉक्स सेट इन अ गार्डन। इट इज अ मैग्निफिसेंट मॉसोलियम बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ यमुना, was to inspire the construction of one of the wonders of the world, Taj Mahal, in the later years. बहुत ही ज़्यादा शांत प्लेस है ये, फोटो शूट्स के लिए तो एकदम परफेक्ट रहेगी। नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ पर कम आते हैं एंड एंट्री फीस भी यार बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, यहाँ की 30 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, पानी भी अवेलेबल है, ड्रिंकिंग वाटर, एंड यहाँ की जो टाइमिंग है वो है सुबह 8 बजे से सनसेट तक। गाइस ये है कुछ फोटोज एंड वीडियोस जो मैंने यहाँ शूट की थी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।